अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के स्टूडेंट हैं या आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या आप सीख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें इस लाल बटन को और सब्सक्राइब के बाद इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम धर्मवीर कुशवाहा है। आज हम आपको बताएंगे कि हम कॉम्बिनेशन फाइल को कैसे लेटर कोड चेक करेंगे। जैसे इसमें लिखा है, जैसे इस सेल है, आप मान लीजिए कोई मॉडल सेल में सर्च करते हैं, इसमें इसमें दो कॉम्बिनेशन फाइल आई है, ये हम कैसे पढ़ें कि वो कौन सी हमको डाउनलोड करनी है। तो यहाँ मतलब यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी हम करें दोनों में से, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हमें या वीडियो में जो हमें क्या बोलते हैं कि दोनों कर लीजिए, जो एक हो जाएगी उससे हो जाएगी, तो इसमें डाटा का लॉस होता है, डाटा लॉस होता है हमारा। तो हम पढ़ेंगे इसको कैसे पढ़ सकते हैं, तो बताइए। इसमें लिखा है OXA, ये CSC बिल्ड कोड है हमारा, मतलब कंट्री जो कॉम्बिनेशन के बाद जो पहली तीन जो लेटर आएंगे वो आपका कंट्री कोड होगा, CSC बिल्ड होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे ये FS70 लिखा है तो ये नोबट है, ये वर्जन है 6.5A, ये हमारा एंड्रॉइड का वर्जन होता है, जो मार्शमेलो ये सब होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 7 की जगह 6 लिखा होता तो ये हमारा वर्जन होता, और 5 लिखा होता तो लॉलीपॉप होता। जैसे कि उसमें दिखा दो, सेल में दिखा दो कि क्या हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पर। सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 है, तो हमारा ये मार्शमेलो है। मतलब ये दोनों फाइलें मार्शमेलो की है, मार्शमेलो की है। FAC ये हमारा दिखा रहा है यहाँ पे कंट्री कोड, मतलब CSC बिल दिखा रहा है किस कंट्री का। फिर आगे बढ़ाइए। इसके बाद हम यहाँ इधर से तीसरे नंबर पे QPO लिखा है, ये हमारा ईयर है। जैसे O है तो 2015, P है तो 2016, Q है तो 2017, और इसके आगे अगर 2018 है तो R होगा। ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। और अगर ये हम क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा हम अपडेट फाइल को क्लिक करना है, अपडेट को लेना है हमको, इसलिए। तो हम इसमें सेल में देखते हैं कौन सा अपडेट है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें P है और इसमें R है, तो R हमारा 2018 का है और P 2016 का है, तो हम इसमें से R अपडेटेड है हमारा। उसके बाद सेकंड लास्ट फाइल, सेकंड में हम चेक करेंगे ये जो इसके बाद B रहता है कि वो सेकंड, उधर से सेकंड जो उसमें ABC लिए जनवरी फरवरी मार्च ये रहता है, तो ये हमारा उस मंथ का है, किस मंथ में ये अपडेट हुआ था। तो जैसे सेल में बता दो कौन से मंथ में यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे इसमें लिखा आई और दूसरे वाले में सी है, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आई में आपका सितंबर है और सी में मार्च है, ठीक है। ये मार्च और सितंबर की फाइल है, तो मतलब इसको हम थोड़ा और पूरा पहले तीनों पढ़ ले, उसके बाद आगे। तीसरा बी ए हो गया, तीसरा क्या है, मतलब आखिरी का कोड क्या बताता है। ये हमारा रिवीजन बताता है कि कौन सा रिवीजन है, सेकंड है, फर्स्ट है, मतलब ये अपडेट रिवीजन, मतलब पहला अपडेट, दूसरा अपडेट, तीसरा अपडेट। इसे इसमें 1 है और ये भी 1 है, यानी कि ये एक ही है, इसमें दूसरा कोई अपडेट नहीं आया है उसी फाइल में। अब ये पूरी फाइल को पढ़ो, बताओ पहली फाइल और दूसरी फाइल को पूरी पढ़ो। तो पहला तो हो गया कॉम्बिनेशन है, फिर क्या हो गया, ये हमारा CSC बिल्ड है, बिल्ड हो गया, मतलब वर्जन है मार्शमेलो। अगर यहाँ पे 4 होता तो किटकैट होता, किटकैट और 7 होता तो नौगट, तो हम फिर 7 वाली डाउनलोड करते हैं। उसके बाद हमारा मॉडल नंबर है, उसके बाद हमारा मॉडल नंबर, मॉडल नंबर आता है कि कौन सा मॉडल है। उसे इधर तीसरे नंबर पे हम देखेंगे, पी है तो 2016 है और आर है तो 2018 और इसके आगे अगर 2019 में तो यस आ जाएगा, वैसे ही बढ़ाएंगे। इसके बगल में ये आई है, तो हम आई को देखते हैं। इधर आई में हमारा था सितंबर, बैक करो उसको, यहाँ पे आई में हमारा सितंबर है, तो वो सितंबर की फाइल है हमारी, और इधर ये हमारा सितंबर का है, सी हमारा मार्च का फाइल है, ये मंथ है हमारा मार्च, और ये 1 है, तो ये रिवीजन है कि हमारा फाइल एक ही बार अपडेट हुआ है, दूसरा बार अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट हुआ होता तो यहाँ पे 2 आता, तो ऐसा ही लिख के 2 आता। तो अगर हम इसको डाउनलोड करेंगे तो कहाँ जाके डाउनलोड करेंगे, कौन सी फाइल डाउनलोड करें, अगर हम करें तो पहले नीचे वाली डाउनलोड करेंगे जो 2018 की है, वो डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो यहाँ पे आप कोर्स करने आ सकते हैं। अगर मालूम है, अगर पूरी जानकारी नहीं मालूम तो भी यहाँ पे आइए और पूरा कोर्स करके जाइए। यहाँ पे हम इतने सारे बच्चे आए हैं जो आजकल में सब घर चले जाएंगे, नए बच्चे भी 2 आ चुके हैं यहाँ पे। हमारा लास्ट डे है, चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं राजस्थान से आया हूँ, मेरा नाम चंद्र विकास सोलंकी है। बताओ इस बुक के बारे में आपको कैसा लगा पढ़ के, और इस बुक के बारे में राय देना चाहते हो बाकी लोगों को। सर इसमें हार्डवेयर की पूरी जानकारी दी है, इधर किताब माइन है हार्डवेयर के बारे में। अगर जो भी आप काम सीख लिया हो मोबाइल को, तो आपके पास सीख लिया हो या सीख चुके हो,
तो इस वास्ते आपने आ किताब लेनी बहुत जरूरी है, जरूरी है। इसमें बहुत सारी जानकारी है, इसमें आपने बहुत सारी आसानी भी मिली, मैंने भी काम हार्डवेयर के मायने बहुत सारी सुविधा मिली है। ठीक है, मतलब इसमें जो सारी चीजें वो सीख रहे हैं जो, और जो कहीं जा रहे हैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं या क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे कि इसमें कौन सी वो जानकारी है जो शायद उनको नहीं मिले? इसमें हार्डवेयर की बहुत सारी जानकारी है जो आपको वहाँ पे नहीं मिली, वो मुझे भी नहीं मिली थी। यहाँ पर इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे को पूरा समझ में आया। चलिए ठीक है, आप भी तो पहले राजस्थान में कहीं ना कहीं पढ़कर आए थे पहले से? 3 महीने खराब करके आया हूँ। 3 महीने खराब करके आया तब जाके यहाँ पर आप कितने महीने पढ़ रहे हैं अभी? 1 महीना? कितना महीना, कितना दिन हो गया आपको यहाँ पर? 15 दिन भी नहीं हुआ मेरे को। हाँ, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पे पूरा टाइम खराब करके आया हूँ। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे आपने 15 दिन में हार्डवेयरिंग सीखी है यहाँ पे आपने? बहुत ज्यादा सर। और सॉफ्टवेयर भी काम सीखा है आपने? एक नए सॉफ्टवेयर एप्स की आपको करना है क्या है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, इसे टेलीकॉम सर्च करना है और दोस्तों उसमें आपको नीचे आना है और मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करके आपको ये ऐप्स मिलेगा, आपको इसको कर लेना है डाउनलोड। तो मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको। तो इंस्टॉल करने के बाद मैं आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ आपको एंटर टू इंस्टीट्यूट में क्लिक करना है और जैसे आप इसको क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने ये मोबाइल सॉफ्टवेयर से जुड़े आपको चीज़ें देखने यहाँ पे मिलेंगी। तो दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स, तो मोबाइल सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स क्या होते हैं, मोबाइल फ्लैशिंग किसे कहते हैं, जनरली अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं अगर आपको नहीं पता फ्लैशिंग किसे कहते हैं तो उसके बारे में जानिए, फ्लैशिंग के टाइप विद USB केबल, फ्लैशिंग बॉक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया सब हिंदी में दी हुई है। देखिए कुछ क्या क्या चाहिए, फ्लैशिंग कंप्यूटर, मोबाइल, USB केबल, इंटरनेट, अब इंटरनेट चाहिए क्योंकि हमें फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है, और फ्लैश टूल चाहिए, USB ड्राइवर चाहिए। तो फ्लैश टूल जो होते हैं वो पर्टिकुलरली उस USB ड्राइवर के होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक रोम, रोम क्या होती है, तो जो हमारे मोबाइल का OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रोम कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं स्टॉक रोम और कस्टम रोम। तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, स्टॉक किसे कहते हैं तो हमारी मोबाइल की जो ओरिजिनल फर्मवेयर होती है जो कंपनी से हमें मिलती है वो स्टॉक रोम कहलाती है, विच मोबाइल कंपनी ऑफिशियली प्रोवाइड यू अलॉन्ग विद द फोन और द टैबलेट। जो स्टॉक होती है वो बिल्कुल टेस्टेड होती है, वो आपके मोबाइल के लिए बनाई जाती है। कस्टम रोम तो बिल्कुल टेस्टेड नहीं होती, उससे मोबाइल आपका डेड भी हो सकता है। FRP टूल आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने मिलेंगे, बायपास यहाँ पे आप देख रहे हैं, बायपास गूगल रिमूव अकाउंट गैलेक्सी, तो यहाँ पे आपको बायपास देखने मिलेंगे, गैलेक्सी सैमसंग S8 S8 प्लस J3 J5 J7 अगर कोई सा भी हो तो कैसे उसको बायपास करें, तो उसके लिए ड्राइवर चाहिए, तो यहाँ पे ड्राइवर की लिंक दी हुई है, ये ओडिन, यहाँ पे टूल दिया हुआ है, तो टूल प्रो क्रैक वर्जन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है। और करना क्या है दोस्तों, मोस्ट ऑफ पीपल विल फ्लैश कॉम्बिनेशन फाइल यूजिंग ओडिन बट दिस मैटर विल नॉट वर्क ऑलवेज, सो यू शुड यूज सैमसंग टूल प्रो क्रैक वर्जन बिफोर गोइंग टू। तो यहाँ पर सब बताया हुआ है, ड्राइवर यहाँ पर दिए हुए हैं, सारी फाइल दी हुई है, यहाँ पे मेन जो रोम का कॉम्बिनेशन फाइल आपको दिया हुआ है, फर्मवेयर दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए आपको आपको J3 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, तो यहाँ पे वैसे ही आपको J5 का मिल जाएगा, देखिए J5 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन फाइल है। तो कॉम्बिनेशन फाइल क्या होती है मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, ये जो कॉम्बिनेशन फाइल होती है ये होती क्या है कॉम्बिनेशन फाइल, बेसिकली यहाँ पे आप फर्मवेयर देख रहे हैं, रोम फुल फॉर सैमसंग गैलेक्सी J7, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिल रही है, रोम कॉम्बिनेशन सैमसंग S8 के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर। अब इसको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है वही आपका Jack 3S का बॉक्स और ट्रैक वर्जन, और फिर उसके बाद में आफ्टर ओपनिंग प्लग इन आप अपने मोबाइल को डाउनलोड मोड पर लेके जाएंगे, और डाउनलोड मोड पर लाने के लिए उसके मोबाइल को आपको पावर जो वॉल्यूम डाउन है पावर बटन होम बटन दबाना पड़ेगा जिससे वो डाउनलोड मोड पे आ जाएगा, और उसके बाद में आपको अपने जो टूल है उस टूल में आपको फ्लैश वाले एरिया में आना पड़ेगा और जो PDF फाइल में आपको वहाँ पर कॉम्बिनेशन वाली फाइल को सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो चलिए तो पूरे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे FRP टूल रिएक्टिवेशन, MI टूल FRP, SPD FRP, सैमसंग UMT डोंगल का जो बॉक्स, उसके फीचर्स, उसका डाउनलोड, उसके अगर सेटअप डाउनलोड करना है, तो मोबाइल फ्लैशिंग टूल ड्राइवर किसे कहते हैं, आईफोन के रिलेटेड आईफोन की पूरी फ्लैशिंग यहाँ पर, तो यहाँ पर आईफोन 4, 5S, 6S, तो सब कुछ यहाँ पर डाला हुआ है, और बेसिकली यहाँ पर आपको पिक्चर्स के साथ देखने ये सब मिलेगा, DFU मोड में कैसे लाना है, DFU मतलब आईफोन की रिकवरी मोड बोलते हैं इन्हें, और कैसे हम इसको सारी चीज़ें हम कर सकते हैं।
तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं आई क्लाउड, तो आईफोन के आई क्लाउड को अगर अनलॉक करना चाहते हैं दोस्तों तो इसको पढ़ लीजिए, और जो इसमें क्रिया दी हुई हैं, स्टेप दिए हुए हैं, उन स्टेप को फॉलो कीजिए। तो देखिए हम आ गए हैं उसके नीचे, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आई क्लाउड क्या होता है, बहुत से लोगों को आई क्लाउड नहीं पता, तो आई क्लाउड क्या होता है यहाँ पे बताया गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको आईफोन की फ्लैशिंग, आईफोन की फर्मवेयर, अगर आपको उसका फर्मवेयर डाउनलोड करना है, आई क्लाउड और DFE मोड में कैसे लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सैमसंग फ्लैश टूल, FRP ड्राइवर, सैमसंग के जो फ्लैशिंग कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको फोटो के साथ में ऑल ओडिंग के आपको वर्जन, आपको सैमसंग के सारे ड्राइवर यहाँ पर देखने मिलेंगे, FRP टूल कुछ मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, सैमसंग FRP टूल जो इजी आप उसको FRP जो वर्क करते हैं, सैमसंग के कीपैड मोबाइल को कैसे फ्लैश करते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो भी पिक्चर्स के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वो सब हिंदी में आपको देखने मिलेगा, सब तरीका यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या क्या आपको कौन से किसके साथ में क्या क्या चीज़ें चाहिए अगर आप, और यहाँ पे फाइल भी आपको दी हुई हैं, जैसे सैमसंग की B313E मोबाइल की फ्लैश फाइल जो SPD से भी है और मेडिकल से भी है दोस्तों, तो मेडिकल की भी दी हुई है, बताया गया है कौन कौन सी फाइल यूज़ होती हैं, और ये देखिए एक एक फाइल आपको यहाँ पर बताई गई है, एक एक ऑप्शन आपको यहाँ बताए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन आपको क्लिक करते जाना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बताई हैं। इसके साथ में इसका एक वीडियो भी बनाया है इसके आखिरी में, तो वो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर TWRP कैसे, अगर रिकवरी मोड पे अगर रूट करना है, अगर IMEI को रीस्टोर करना है, मैं रीस्टोर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, चेंज की नहीं, क्योंकि चेंज तो इलीगल है और हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, इसे टेलीकॉम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। बात कर रहे हैं TWRP रिकवरी से, आप सैमसंग में उसमें एक रिकवरी मोड को चेंज कर सकते हैं, उसको रूट करने के बाद में उसके IMEI को रीस्टोर कर सकते हैं। तो रीस्टोर मतलब जब आई में इनवैलिड हो जाता है उसके लिए। तो MediaTek की बात करें, MediaTek SP टूल, अब उसका यूज़ उसके SP टूल, पूरे SP टूल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसका फ्लैशिंग यहाँ पे बताई हुई है, और मोबाइल ड्राइवर यहाँ पे दिए हुए हैं, अनलॉक MediaTek फ्लैश टूल यहाँ पे, FRP के लिए MediaTek का दिया है, MTK 65XX प्री लोडर USB ड्राइवर, उनको कैसे इंस्टॉल करना सारी चीज़ बताइए, मीडिया तो और मेडिकल बॉक्स से कैसे कीपैड मोबाइल को फ्लैश करें, तो ये भी मैंने आपको बताया है, वो भी बकायदा एक फ़ोटो बाय फोटो, तो यहाँ पे आपको कोशिश की है इस ऐप्स के माध्यम से बताने की। और दोस्तों ये आपको केवल इसी ऐप्स में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो अगर आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा इसके लिए, देखिए यहाँ पर पूरा हिंदी में लिखा हुआ है कि आपको मेडिकल ओपन करना पड़ेगा, तो उसके बाद में क्या क्या खोलना पड़ेगा, क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं, तो ये आपको गाइड करेगा सारी चीज़ों से, आपको बताएगा सारी चीज़ कहाँ है, Xiaomi के टूल, Xiaomi की फ्लैशिंग, और नोट अगर बात करें MI K4 या कोई से भी आपके मोबाइल में है, MI का अकाउंट लगा हुआ है, फास्टबूट रोम, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, सेम स्पेक्ट्रम SPD का दिया हुआ है और क्वालकॉम का दिया हुआ है, नोकिया की फ्लैशिंग, ओप्पो की फ्लैशिंग, ADB ड्राइवर, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, मेडिकल तो मेडिकल बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, 2.27, 2.29 कैसे इंस्टॉल करना है, ड्राइवर मेडिकल के ड्राइवर, Jack 3 Xbox, उसके भी आपको 24.3 का दिया हुआ है, 24.5 और 24.27.2 का, और उसकी रीसेलर अगर आपको ख़रीदना है तो कहाँ से ख़रीदें, आपके पास अगर आपके आसपास कोई दुकान है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर सेम ऐसे मेडिकल में यहाँ पे दिए हैं दोस्तों, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेडिकल का भी दिया होगा मैंने, ये देखिए मेडिकल का ऑथराइज बॉक्स, GSM टूल आपको एक मिल जाएगा, बहुत अच्छा टूल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे बॉक्स हैं, BSD डोंगल, रूट कैसे करना है उसके बहुत सारे टिप्स दिए हैं, उसके सॉफ्टवेयर दिए हैं, सारी चीज़ें हैं, आईफोन अनलॉक, तो आई क्लाउड को अनलॉक करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे टूल हैं, इनमें से कुछ वर्क करते हैं कुछ नहीं, तो आप इनको देखिए, इनको डाउनलोड कीजिए, इनको चेक कीजिए, इनको वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इसको आज ही डाउनलोड करें, क्योंकि ये हमेशा अपडेट होता रहा है, आपने देखा कि इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे तब इतना सब कुछ नहीं था, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और आने वाले समय में इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी। अभी हमने एक UMT डोंगल के इसमें वीडियो ऐड करेंगे, UMT डोंगल कैसे चलाना है, बकायदा फ़ोटो फ़ोटो डाल के इसमें हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ऐड करेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इसको डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल करें। दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ, अगर आपको मेरी बुक को आप चाहते हैं कि मेरी बुक को परचेस करना, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिसंबर से पहले तक मेरी कोशिश ये है कि दिसंबर से पहले तक मैं इसको ले आऊं, तो ये डिपेंड करता है मेरे पब्लिशर पर कि कब तक वो उसको पब्लिश करता है, तो मैं बता दूंगा आपको।
तो मेरी बुक का अमाउंट होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, और बुक को कहाँ से ख़रीदना है उसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको बस मेरे अकाउंट से, मेरे यूट्यूब चैनल से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मेरे ऐप से और मेरे वेबसाइट से सब कुछ आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा, और वो बुक खरीद के आप बहुत कुछ नॉलेज ले सकते हैं। एन ISO 9001 एंड 2008 सर्टिफाई इंस्टीट्यूट, एशिया टेलीकॉम, एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। कॉल फॉर एडमिशन 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.